इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक रैबिट यहां पे था, रैबिट वाला डेमन, वो कहता है मैंने छोड़ दो, बदले में तुमको ना कमाल का हमारा जो एम्पायर है तुम यानी मतलब समझो भाई वो जगह जिस जगह पे ना किसी की मौत हो जाती है तो लाश दफना दी जाती है, यानी उस एरिया में कमाल का डेमन एम्पायर था उसकी लाश यहां पे दफनाई गई थी, वो यहां पे ओपन होने वाला है तो वहां पे कमाल कमाल की चीजें मिलेगी। हालांकि वहां पे कोई कमाल का टेक्निक या कमाल का वेपन ही मिलेगा, लेकिन वो जगह ही कमाल का, अगर तुमने वहां पे कुछ समय भी कल्टीवेशन किया ना तुमको फायदा होगा और दो चार अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी ये जो तुमको फायदा देगा, प्लीज विश्वास कर लो। हमारा मैं कटा कहता छठी का भाई चलो विश्वास कर लिया, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। रैबिट कहती है कि वेल मेरा नाम मंगोलिया यहां पर है तो मंगोलिया बुला सकते हो। ये भी कहता मंगोलिया आज के बाद तुम्हारा नाम है ना शायो भाई यहां पर है, और क्या लंबे समय से मुझे कोई बीस्ट यहां पर चाहिए भी था मैं जिसकी सवारी यहां पर कर पाऊं, तो जाहिर सी बात है मैनू तुम्हारा सवारी यहां पर करना है। जो सुनते सामने से वो चौंक जाती कि भाई एक तो इसने मुझे प्यारा सा शायो भाई नाम दे दिया जो मुझे नहीं चाहिए था, और मेरा सवारी करेगा, मैं फीमेल पर यार मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते सुनिए डेमोनिक मॉन्क, ये कहता नाना कोई डेमोनिक मॉन्क नहीं मास्टर, अब से मुझे यहाँ पे बुलाओ। ये भी कहती है अच्छा ठीक है मास्टर बुलाती हूँ, यूरा बड़े कमाल के हो, बड़े टैलेंटेड हो, बड़े जीनियस हो, बड़े स्ट्रांग यहाँ पर हो, यानी भाई आपकी जो औकात है ना लॉग ना ज्यादा बड़ी है, बड़े बड़े ड्रैगन फोनिक्स ऐसे ऐसे जो बीस्ट होते हैं ना उन पर बैठ कर सवारी कीजिए, मैं ठहरी एक छोटी सी भाई रैबिट, मुझ पर बैठ कर सवारी करके आपकी इज्जत ऐसी कम यहाँ पर होगी लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जो सुनते अपना शायु भी कहता है ये बात उन्हें ठीक बोला, तो ये भी कहते क्यों मैंने ठीक बोला ना, यस यस मैंने ठीक बोला। सुनिए भाई जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के होली बीस्ट आएंगे, उनमें से कोई जो आपको अच्छा यहाँ पे लगेगा ना उसको यहाँ पे पकड़िएगा, उसको अपना माउंट बना लीजिएगा। ये भी कहता ओके ठीक है, उसको पर ही बैठ जाता रैबिट पे, और कहते चल मेरे रैबिट वो जो टॉम है ना उससे टॉम में कौन लेके जाएगा, तू लेके जाएगी ना, तो ये और हिल जाते कि यार अभी अभी तो कह रहे थे कि भाई मैंने जो बोला ठीक यहाँ पे बोला, दूसरे बीस्ट को अपना माउंट बनाने को तैयार है, लेकिन अब मेरे पे बैठ गया। हमारा मैं कहता भाई क्या हुआ आगे नहीं चलोगी मार के पकाऊँ क्या, ये भी कहते ना ना चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ, तो आराम से वो भी निकल जाती है। और रास्ते में यहाँ पे वही बातचीत यहाँ पे चलू था जहाँ पे सामने से कहते सुनिए यार एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे, आप चाहे तो किसी को भी पकड़ कर ना अपना गुलाम यहाँ पे बना लीजिएगा, यार मुझे बनाना जरूरी है क्या। ये भी कहते यार तुमने जो बातें बोली थी ना सच्ची में मेरे दिल को छू गया, जो सुन के मुझे लगा कि हाँ भाई तुम सच्ची में बड़ी कमाल के यहाँ पर, इसलिए जिंदगी भर के लिए ना तुम ही मेरी माउंट। जो सुनते और भी हिल जाते कि यार मुझे छुटकारा पाना है, मुझे किसी का माउंट नहीं बना, माउंट ऐसा जानवर जिस पे बैठ कर तुम सवारी करते हो, तो हिल जाते कि भाई मैनू नहीं बनना हो, ये मुझे जिंदगी भर के लिए यहाँ पे बनाना चाहता है, निर्दय कमीना आदमी भाई अच्छा हो ही नहीं सकता, मी थी जिसने इसके ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती, अटैक करूंगी ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैनू ही मार डालेगा। तो फाइनली जो तोम यहाँ पे था ना उससे तोम के पास यहाँ पे पहुंच जाते, यहाँ पे पहुंचते ना एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे ना डिवाइन बीस्ट होली बीस्ट पहले से मौजूद यहाँ पे थे, और उनके अंदर ना जो गोल्डन विंग रॉग यहाँ पे था ना वो भी प्रेजेंट यहाँ पे था। जो देखे अपने शयुन चौंक जाता है और कहता है रैबिट मेरे भाई यार एक सेकंड एक बात मेरे को समझ नहीं आती, यार मैंने तो मार डाला था ना तो भी यहाँ पे कैसे आ गया। ये भी कहता कि अरे यार मतलब मैंने आपको मार डाला कि दूसरे इंसान यहाँ पे नहीं आएंगे क्या, ऑफ कोर्स एक से ज्यादा यहाँ पर है, ये जो गोल्डर रॉक है ना कम से कम ना डजन ऑफ यहाँ पर होंगे, उसी के खानदान के उसके बच्चे लगेंगे या उसका पोता पोती लगेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो लगेंगे। हमारा मैं कटा कहता लेकिन ये यहाँ पे काय को आया, मुझे ढूंढ के बदला लेने को तो नहीं ना आया है। तो रैबिट भी मनी मन सोचता भाई तुमसे कौन बदला लेगा भाई, तुम एक सेकेंड यार इस आदमी ने जान से मारा है, और शायद ये बात है ना उस दूसरे वाले को अभी तक यहाँ पे मालूम नहीं है, और मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, अगर ये बात मालूम चलेगा कि अभी इसी इंसान ने मारा है, इंसान को भी मारेगा साथ ही में मुझे भी जान से मारेगा, इसके चक्कर में कैसे फंस गया, मुझे धोखा देके यहाँ से निकलना चाहिए। हमारा शय उन कहता भाई क्या हो गया तुम क्या सोच रहे हो, अच्छा मुझे धोखा देकर भागने के बारे में सोच रहे हो क्या, सुनो अगर मेरे पे मुसीबत यहाँ पर आया ना यार अपने साथ ना मैं तुझको भी ले डूबूंगा। रैबिट भी लाइक यार किसके जाल में फंस गया भाई, सच है मुझे मार डालता ना वही बढ़िया होता, यही जो बड़ यहाँ पर आया था बाकी जो बड़ यहाँ पे थे वो भी कहता भाई तू क्या कर रहा है यार, हमने सुना कि भाई तू अपना कल्टिवेशन कर रहा था सेकुलेशन में, आज अचानक से बाहर आ गया। ये भी कहता भाई मेरे जैसे जो गोल्डन वीक रोग थे ना उनको किसी ने मार डाला उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ, तुझको मालूम है क्या। वो लोग कहते क्या मर गया क्या, हमको मालूम नहीं है। अरे रुको यार ढेर सारे इंसान यहाँ पे आ रहे, उन इंसान में से किसी ने मारा होगा, जैसे आएंगे उनसे पूछ लेंगे। तो उस इंसान ढेर सारे इंसानों की टीम आती है, ये तो आगे जाकर पूछता बताओ भाई तुम में से किस इंसान की इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे जैसे गोल्डन वीक रॉक को यहाँ पे मारा, जो भी ये सामने यहाँ पर आओ। तो ये जो लाल वाला लड़का था ना वो आगे यहाँ पर आता है और कहता है कि भाई बेसिकली मारा किसने मुझे भी आईडिया यहाँ पे नहीं लगा, तुमको सच्ची में इतना गुस्सा आ रहा है तुमको बदला यहाँ पे लेना है, ले बेटे यहाँ अटैक यहाँ पे कर, नहीं तो मेरे पे अटैक करना आप इन तेरी धजिया यहाँ पे उड़ा देगा तो ऐसा एटीट्यूड में कहता है। जो देखे हमारे मेकर भी सोचते कि वो यार ये लड़का एक कौन यार क्या एटीट्यूड यहाँ पर है, देखे मैं भी दीवाना हो गया। सामने से रैबिट बताती आपको नहीं मालूम, अरे वान जिया नाम का जो एरिया ना उस एरिया का कमाल का लौंडा है, आसान आउटियन इसका यहाँ पे नाम है। हमारा वो रैबिट कैसा कन्फ्यूज किया, अरे वाह यार मतलब ये इंसान यहाँ पर है कि इंसानों के दूसरे इंसान के बारे में एक डेमोन से पूछ रहे यानी मुझसे पूछ
पूछ रहे हैं अपने मेकेटो का इजाजत है वांजियन एरिया, या उस एरिया में मैंने सुना नाम कमाल के बड़े बड़े स्वॉर्ड सेट यहाँ पर है, जिस एरिया में कमाल के स्वॉर्ड मास्टर भी रहते हैं, तभी तो भाई ये लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अपना वेकिंग स्टेज पर जाएगा ना, इस लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा। उतने में वो जो लड़की यहाँ पे थी जो हमारे मेकेटो से कुछ समय पहले मिली भी थी, वो भी यहाँ पर आती है और आते कहती बोलो यार क्या चालू है यहाँ पर, सब कुछ बढ़िया ना। जैसे सारे बीस्ट यहाँ पे देखते हो कहते हो माय गॉड यार क्यों फैमिली की यंग लेडी आ गई, भागो यहाँ से, जहाँ जाती है ना हमेशा मुसीबत आती है, हमारे पे भी मुसीबत आ जाएगी। अपना मेकेटो भी देख लेता है, रैबिट से पूछते कि रैबिट अभी ये लड़की कौन है यार, ये बता दे यार, ये मुझे ज़्यादा धासू लग रही है उस सन आउट यहाँ से, देख रहे हो बीस्ट लोग भी डर के मारे भाग रहे हैं। ये बताती है कि भाई क्यून फैमिली नाम की जो फैमिली है ना, उस फैमिली की यंग लेडी यहाँ पर है, और ये क्यून फैमिली है ना सबसे बड़ी फैमिली है पूरी दुनिया की, यहाँ तक जो डेमो लोग ना डेमो लोग भी इनसे डरते हैं, कोई भी पंगा लेने से पहले चार नहीं बल्कि 400,000 बार सोचता है, इसके सारे डेमो डर के हमारे भागे जा रहे हैं। हमारे मेकेटो कहते क्या भी क्यून फैमिली, मैंने सुना भी एक टाइम पहले क्यून फैमिली नाम की जो फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पे थे ना, उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था, पूरी दुनिया के राजा यहाँ पे थे, तभी तो भाई क्यून फैमिली ना आज दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली भी यहाँ पर है, उस फैमिली की लड़की यहाँ पे थी यार, मतलब ये लड़की है मुझे आइडिया बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगा था, तभी तो भाई जो डेमो ने ना वो भी डर के हमारे कांप रहे, वो जो बर्ड यहाँ पे थे ना बर्ड को भी ऐसा गुस्सा था कि अरे इस लड़की पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन मैं सच्ची में पंगा ले नहीं सकता, वरना इसकी फैमिली हम सबके धजिया उड़ा देंगे। हमको बस इतना मालूम है भाई एक बंदा यहाँ पे था जो मॉन्क यहाँ पे था, जिसने जहाज से मारा, मॉन्क के बच्चे जल्दी से सामने आओ वरना तुम्हें तो कह के ले लूंगा साला हरामी कुतरिया मानूस। अपना रैबिट भी कहता मास्टर यार वो तो तुम्हारी बेइज्जती मार रहा है, हरामी कुतरिया मानूस कह रहा है मैं तो बिल्कुल ना सहता, ये भी कहता तू जान जाके फाइट वाइट यहाँ पे कर ले, मैं तो सह लेता हूँ भाई, एक अच्छा आदमी एक स्ट्रॉन्ग आदमी ना कभी भी बात सुनकर भड़कता यहाँ पे नहीं है, बल्कि अपना दिमाग शांत यहाँ पे रखता है। ये मनी मन सोचता है कि छोड़ो यार फटी पड़ी है इसकी, सबके सामने जाके फाइट करने के लिए इसलिए ज्ञान पे ले जा रहा है, अकेले कोई रहता ना तो आगे यहाँ पे कूद जाता, सामने जो बाकी बीस्ट यहाँ पे इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने उस मॉन्क को यहाँ पे जान से मारा ना हमको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, ये खुश हो जाएंगे, इसलिए उस इंसान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको ढूंढना चाहिए। उतने में वो जो डेमो ने पर तोम था ना वो फाइनली ओपन हो जाता है, तो सारे बंद बधिया ने ना उसी तोम की ओर चल जाती है। हमारे शेयर ये भी नोटिस करता है एक ऑरा रिलीज हुई थी, ओरा सच्ची में काफी कमाल का है, डेमो ने अपने टाइम पे एम्पायर लेवल का था, मुझे तो भाई ग्रेट एम्पायर जितना लग रहा है। सामने से जो लड़का सन आउट था ना वो भी कहता मानना पड़ेगा उस एम्पायर को, मरने के बाद भी उसका जो ओरा का पावर है ना कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। यही जो बड़ी यहाँ पे थी वो बड़ी यहाँ पे कहती थी तुमको क्या सच्ची में लगता है कि जो हमारे एम्पायर यहाँ पे थे एरे गए थे, तुम्हारे इंसान में जो एम्पायर लेवल के बंदे होते ना एग्जैक्टली उनके जैसे, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे, चलो लेट्स गो अंदर जाने की बारी आ चुकी है। सारे बर्ड्स यानी वो सभी डेमो ने वो सभी ऑफकोर्स अंदर यहाँ पे जाएंगे, हाँ तो ये बर्ड आने से पहले मना कर देते उन सारे बर्ड को जो बंदे लो लेवल के हैं जिनका पावर ना अवेकिंग स्टेज के कम है, तुम सब यहाँ पे मत आना उन्हें तुम्हारी वैसे ही मौत हो जाएगी, बाकी सब आ सकते हो। तो बाकी सब का सर निकल जाता है, जो क्यों नहीं यहाँ पे थी वो लड़की, बाकी जो भी लोग यहाँ पे इंसान थे वो सब अंदर यहाँ पे एंट्री मारते। रैबिट पे ये बैठा हुआ था, ये भी रैबिट से कहता चलो, तो रैबिट को लेके ये भी अंदर चल जाता है, यानी सब लोग अंदर घुस चुके हैं। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।